मंगलमति स्टूडेंट, मैं आज आपको क्लास 7 का जो चैप्टर चल रहा है डाटा हैंडलिंग, तो उससे आगे बता रहा हूँ। देखिए, डाटा हैंडलिंग्स में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। एक तो आपका पढ़ा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि आपको बहुत सारे डाटा दे रखे हैं, उसको आपको अरेंज करना है, ठीक ना, एज ए क्लास इंटरवल की फॉर्म में भी कर सकते हैं और एज ए आप टैली मार्क्स। अभी तक आपने टैली मार्क्स सीखा है, टैली मार्क्स से हम किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था तीन सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मॉड। अब देखिए, इसके बाद आपका आता है बार ग्राफ। जैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देख रहे हैं, तो देखिए इंफॉर्मेशन कोड वे विजुअल रिप्रेजेंटेशन, हम जो है इंफॉर्मेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम टैली मार्क्स के द्वारा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, तो उसको हम जो है दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो पिक्टोग्राफ, जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा था, पिक्टोग्राफ पिक्चर के थ्रू हम जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है बार ग्राफ, तो हम यहाँ पे बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपके बार ग्राफ भी दो तरह के बार ग्राफ होते हैं, सिंगल बार ग्राफ होता है, एक डबल बार ग्राफ होता है, कि अगर आपके दो या तीन इंफॉर्मेशन को हम एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर देते हैं तो उसको डबल या ट्रिपल बार ग्राफ कहते हैं। इससे हायर क्लासेज में, जैसे आप ऊपर की क्लास में जाएंगे, तो उसमें और भी मेथड होते हैं इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रिप्रेजेंट करने के। जैसे आपका होता है पाई चार्ट होता है, तो पाई चार्ट के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं उससे। अब देखिए, इसमें आपको जो बार ग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए उससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे आपका कोई भी सर्वे कर रहे हैं कि लिटरेटेड पॉपुलेशन कितनी है, किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है और किस साल है, तो ईयर वाइज हम वहाँ पे उसका एक डाटा जो है कलेक्ट करेंगे और उसको फिर रिप्रेजेंट करते हैं, हम एज ए बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि किस साल कितने एरिया में कितने लोग जो है शिक्षित हैं, ठीक ना। इसी तरह से और भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ का हो सकता है या आपका डेथ का हो सकता है, तो बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती हैं हम बाई बार ग्राफ जो है इजीली गेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर क्लास में, जैसे हम सपोज टोटल मार्क्स का स्टूडेंट्स का आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उससे भी हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि एवरेज मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है ना, हाईएस्ट मार्क कितने हैं और मीन और जो आपके लोएस्ट मार्क हैं कितने हैं। अब जो हाईएस्ट मार्क्स होता है वो क्या शो करता है, इंफॉर्मेशन शो करता है कि उससे हम मॉड निकालते हैं। जैसे मॉड मैंने आपको पहले बताया था, मॉड क्या होता है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट होता है वो आपको मॉड कहलाता है। अब देखिए, इस पे बेस आपकी एक्सरसाइज 3.3 आती है। देखिए, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, एक क्वेश्चन तो होंगे जिसमें ग्राफ दिया होगा, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, ठीक है, उसमें आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। दूसरे किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ग्राफ को ड्रॉ करना होता है, अपनी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी, टेबल दी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है कि ग्राफ दिया है। अब इसमें दिया है कि पैड्स ओन्ड बाई स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th के जो स्टूडेंट्स हैं वो पैड्स एनिमल्स, जैसे पैड्स एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे आपका डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, रैबिट्स हो गया, इस तरह के एक डाटा को ग्राफ के बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस पे बेस आपको आंसर देना है। जैसे फर्स्ट पार्ट का आंसर है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, तो देखिए इसमें आपको जो बार ग्राफ की जो वो होती है स्ट्रिप होती है, तो उसमें हाईएस्ट आप देखेंगे कि आपका सबसे ज्यादा कौन सा पेट एनिमल्स जो है मोस्ट पॉपुलर है, तो आप देखेंगे इसमें कैट्स जो है इसका मोस्ट पॉपुलर पेट्स है। फिर इसी तरह से सेकेंड पार्ट में आप देखें कि इसमें आपसे फाइंड करना हाउ मेनी स्टूडेंट हैव द डॉग पेट, कितने स्टूडेंट है डॉग पेट्स को पसंद करते हैं, तो देखिए इसमें आप देखेंगे 8 स्टूडेंट हैं डॉग पेट्स को पसंद करते हैं। ये इसमें एक्सरसाइज है आपकी 3.3, तो इसका एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पर डाटा दिया है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, आपको 6 क्लासेस दी है, क्लास
फिर से लेके क्लास 10 तक जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, कितने स्टूडेंट्स हैं, रिप्रेजेंट दी डाटा ऑन ए बार ग्राफ। अब इसको किस पे रिप्रेजेंट करना है, बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है डाटा को, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए आपने सिक्स क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो तीन चीज़ों का आपको भी स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। अब इसमें आपको यहाँ पर लिखना है कि ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए ये अब हॉरिजेंटल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपको क्लासेस को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने यहाँ पे क्या क्लासेस लिखती है, वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्लासेस को आप वाई एक्सेस पे ले सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को कहाँ पे ले सकते हैं, एक्स एक्सेस हॉरिजेंटल लाइन पे ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे जो है जो बार ग्राफ और ड्रॉ बने उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, इक्वल विड्थ होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में भी बताया था। फिर इसके बीच का जो स्पेस है वो आपको इक्वल स्पेस होना चाहिए, यानी कि कहीं पे आपने दो का स्पेस छोड़ दिया, कहीं पे आपने वन का स्पेस छोड़ दिया, तो ये इक्वल स्पेस होना चाहिए। फिर इसमें आप देखेंगे जो आपकी क्लासेज हैं वो फिफ्थ से स्टार्ट है, जीरो से कोई क्लास नहीं होती, फर्स्ट से होती है, लेकिन फर्स्ट टू फोर्थ आपको डाटा नहीं दिया। तो हम इस तरह का एक जिग जैग टाइप का एक सिंबल साइन यूज करेंगे, फिर कहीं से भी आपको जो वैल्यू दे रही है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या फिफ्थ क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड सिक्स को, फिर सेवन एट नाइन टेन टेन। अब वर्टिकल लाइन में आप देखेंगे कि मिनिमम आपका 80 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप 80 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम जिग जैग टाइप का एक साइन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे करा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपका 80 का रिप्रेजेंट कर 90, 100, 110, 120, 130, 140, मैक्सिमम वैल्यू आप 135 है, तो आप यहाँ पे 140 ले सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे स्केल कंसीडर करना है। देखिए स्केल आपको इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे हम वैल्यू जो है, कोई भी बड़ी वैल्यू जो होती है उसको हम ग्राफ पे इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। जो आपके ग्राफ होता है ये आपका बार ग्राफ जो होगा ग्राफ पेपर पर ड्रा होगा, तो इसके बीच के जो 10 छोटे सेंटीमीटर्स हैं, मिलीमीटर्स हैं आपका 1 सेंटीमीटर, तो वो 10 चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम 10-10 का डिफरेंस लिया है। अगर आपका ग्राफ पेपर छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर वहाँ पे वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 चिल्ड्रंस हो जाएंगे या कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे 135 लिया है, तो 135 पे 130-140 के बीच में एक बार ग्राफ ड्रॉ करा, फिर 120 पे करा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है, जैसे फर्स्ट पार्ट है हाउ वुड यू चूज द स्केल, आप स्केल कैसे चूज करेंगे। तो जैसे अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा मैंने यहाँ पे चूज करा है 10 चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द 1 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द 1 सेंटीमीटर, 5 चिल्ड्रन 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपको जो बार ग्राफ है थोड़ा सा और एक्सपेंड हो जाएगा। इसमें बी पार्ट में आपको फाइंड करना विच क्लास है द मैक्सिमम एंड विच क्लास है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आप देखेंगे सबसे मैक्सिमम कौन सी क्लास है आपके, 135, तो फिफ्थ क्लास है द मैक्सिमम स्टूडेंट। फिर आप देखेंगे मिनिमम कितने आपके 80 हैं, कौन सी क्लास है, 10th क्लास है, तो 10th क्लास है द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसके थर्ड पार्ट का आंसर देना है, फाइंड द रेशियो ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो आप देखें क्लास 6 में स्टूडेंट्स कितने, 120 हैं, क्लास 8 में स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, 100 हैं। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 120/100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये रेशियो चैप्टर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो 2 से डिवाइड करके 6 और यहाँ पे 5, तो इसका रेशियो क्या होगा, 6:5। तो इस तरह से हम आपको जो कोई भी क्वेश्चंस होता है ग्राफ से रिलेटेड उसके आंसर्स दे सकते हैं और इसका बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।